आज 29 अगस्त 2023, राखी के एक दिन पहले पापा जी और हम गांव आए गेहूं की और चना की बेच करने। साथ ही साथ निकलते निकलते प्लान हुआ कि चलो खेत देख करके आते हैं। ये खेत का गोधूली का समय, ये उड़द लगी हुई है, उर्द के साथ साथ ये चारा जमा हुआ है, काफ़ी मात्रा में चारा है, लेकिन फसल को बहुत नुकसान है वो आप देखें। रवि के की तैयारी हो रही है, रवि फसल की, ट्रैक्टर चल रहा है। बाकी इस साल खेत बहुत ज़्यादा बोए नहीं गए हैं, उड़दा है और उड़दा के अलावा धान है, परंतु उपज बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। ये हमारा आम का पेड़ जो करीब 35 साल से ऊपर है। इंदारा वाला खेत है, ये इंदारा है, ये इंदारा है जिसको उगाही की आवश्यकता है। काफ़ी गहरा है ये, परंतु और ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत है। ये गड्ढा नुमा दिख रहा है, परंतु ये काफ़ी गहरा है। ये हमारे खेत है, उड़दा लगा हुआ है। और भैया बढ़िया, भैया कैसे? अरे अरे, बस बस, इंदारा है ये, और लग रहा है जैसे गड्ढा हो, है ना? है बढ़िया पानी है, लग रहा है जैसे गड्ढा हो और कोई जाए तो ट्रैक्टर घुस जाए इसके अंदर पूरा, सीधे सीधे दो मूर घुस जाए। अब हम अपने घर की तरफ बढ़ते हुए, ये मेरे खेत हैं, ये उड़द की स्थिति है, बहुत ज़्यादा अच्छी फसल नहीं है, खराब है फसल, बल्कि इस बार तो वो शंकर सागर दिख रहा है भरा हुआ। ये देखिए शंकर सागर, मुनादा वाला खेत बेहतरीन भरा हुआ है। चलिए तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।